इंडस्ट्री में खान सर की सक्सेस का राज। अपने YouTube, ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग से खान सर कितनी अर्निंग करते हैं और ऐसी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी खान सर यूज कर रहे हैं जिसकी मदद से वो हर जगह पर सक्सेस है। टू द वन एंड ओनली खान सर, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं खान सर का। खान सर फ्रॉम खान GS रिसर्च सेंटर। आज के इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। आपके माइंड में जितने क्वेश्चन है इन सभी के आंसर है, और अगर आप एक टीचर है तो ये मान लीजिए ये वीडियो बहुत ही इंस्पिरेशनल होने वाला है, बहुत ही मोटिवेशन से भरा होने वाला है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भाई साहब खान सर की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो टीचर्स बने रहिएगा इस वीडियो में। आगे आप सभी ने सुपर 30 मूवी तो देखी ही होगी, और ये भी याद होगा कि उसे देखने के बाद में हम सब आनंद सर से कितने इंस्पायर हुए थे। इसी से कुछ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट पटना से बिलोंग करने वाले एक टीचर का है जिनका नाम है फैजल खान, और दुनिया उन्हें खान सर के नाम से जानती है। खान सर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। वो हमेशा से ही एक ब्राइट स्टूडेंट थे, और 2023 में हिस्ट्री सब्जेक्ट से डिग्री हासिल कर वो अलाहाबाद इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हुए। वो एक फाइनेंशियली चैलेंजिंग बैकग्राउंड में बड़े हुए, पर स्टिल उन्हें पढ़ने का जज्बा हमेशा से था। अपनी AIEEE की एग्जाम मिस करने के बावजूद उन्होंने अपना मास्टर ऑफ साइंस कंप्लीट किया और MA की डिग्री हासिल की। सपना तो खान सर ने भी सिविल सर्वेंट बनने का देखा होगा, बट किसी रीजन से हर कोई सक्सेस नहीं हो पाता। बस वहीं से खान सर का जो अपना खुद का एक्सपीरियंशियल लर्निंग थी उन्होंने सोचा, और उनके कुछ दोस्तों ने भी उनकी मदद करी, और उन्होंने सबसे पहला पड़ाव जो हर एक टीचर का होना चाहिए दूसरे अलग अलग कोचिंग्स में जाकर पढ़ाना शुरू किया। जब खान सर उन्हें पढ़ा रहे थे तो खान सर को एक बात तो समझ में आ गई थी भाई। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि भैया यहाँ पर तो कोचिंग बिजनेस की तरह चलाई जा रही है, और खान सर को यह बात रास नहीं है। अब खान सर का एक मोटिव था कि भैया मैं एक्चुअल में बच्चों को सही कम अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ाना चाहूंगा। अब खान सर ने अपने दोस्त से मिलकर या किसी के साथ पार्टनरशिप करके अपना कोचिंग स्टार्ट किया, और कुछ ही महीनों में खान सर को उस कोचिंग से भी हाथ धोना पड़ा। क्या मतलब? पार्टनरशिप सक्सेसफुल हो नहीं पाई, सब कुछ उनके हाथ से चला गया। अब देखो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान यहाँ पे भी रखना है कि जब भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप में जाए तो कोचिंग में भी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करें, ताकि जो खान सर के साथ में हुआ वो आपके साथ ना हो। अब खान सर खुद से अपनी कोचिंग की शुरुआत करते हैं, बट यहाँ पर सबसे मजे की बात तो ये है कि खान सर ने सपोर्ट लिया अपने ही स्टूडेंट्स का। तो ऐसे स्टूडेंट जो सिलेक्ट हो गए, जिनकी भर्ती आने वाली है, जो तैयारी कर रहे हैं, ब्राइट स्टूडेंट है, तो उनकी टीम में वही लोग और वही टीचर्स की टीम बनाई जो उनके स्टूडेंट रहे थे। तो खान सर ने यहां से शुरुआत करी ऑफलाइन खान GS रिसर्च सेंटर। अब धीरे धीरे देखो, जब टीचर सच में पूरी शिद्दत के साथ में अगर अपना कंटेंट डिलीवर करता है ऑफलाइन कोचिंग में, तो आप मान के चलिए वो 100% सक्सेस होगा। पटना में ऐसी हजारों कोचिंग होगी, बट फिर भी खान सर ने अपनी जगह बनाई ही ली। अब खान सर ने सबसे बुनियादी चीज जिसको हम एक बिजनेस की तरह देखते हैं, पर लाइब्रेरी, अपने पटना में सबसे बड़ी लाइब्रेरी खान सर ने बनाई। एंड इसके बाद में खान सर देखते ही देखते इतने पॉपुलर तो उनके एरिया में हो गए थे कि उनके पास बच्चों की कमी नहीं थी। अच्छा, खान सर के पास में पैसों की कमी क्यों थी? उसका एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि खान सर बच्चों से बड़ी नॉमिनल फीस लेते थे पहला, और दूसरा कुछ बच्चों से फीस भी ना लेते। ऑल ओवर इंडिया से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गरीब से गरीब भी लड़का उसको पढ़ सकता है। यही कुछ हजार रुपये मंथली 12-14 हज़ार साल का पड़ेगा, खत्म हो जाएगा इतना में। तो आगे मैं आपको ये प्रूव करूंगा कि एक टीचर सच में कैसे वैल्यू कॉन्ट्रीब्यूट करके, मतलब खान सर ही एक लौते टीचर मुझे दिखते हैं आज के टाइम पे, जो सक्सेसफुल भी है और इस बात को कंटिन्यू रखते हैं कि वो जो शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही कम पैसों में कर रहे हैं। उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए शिक्षा इंपॉर्टेंट है। ये आगे मैं आपको प्रूफ भी करूंगा, ताकि आपको भी समझ में आएगा कि आप इस मोटिव को अगर लेकर चलना चाहें तो कैसे लेके चलते हैं। अब देखो, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अब इसी बीच आता है कोविड, और जब कोविड-19 आया तो खान सर की भी ऑफलाइन कोचिंग पूरी तरीके से बंद हो गई। अब हर टीचर की तरह खान सर भी एक विजनरी टीचर थे, उन्होंने भी जुगाड़ लगाकर अपने व्हाइट बोर्ड लगाया, व्हाइट बोर्ड पे आकर बिल्कुल सिंपल से पढ़ाना शुरू कर दिया। अब देखो यहाँ पर कंटिन्यूअसली खान सर अपने वीडियोस डाल रहे थे यूट्यूब पर, बट स्टिल यहाँ पर भी खान सर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे। खान सर व्हाइट बोर्ड पर अलग अलग इमेजेस के थ्रू पढ़ा रहे थे व्हाइट बोर्ड पर। मैंने वीडियो डिटेल में बनाया, ऐसे एग्जीस्कॉट पे आपको हर तरीके के वीडियो मिल जाएंगे, पर कुछ ना कुछ तो कमी थी टेक्नोलॉजी। खान सर फिजिक्स वाला, दिव्यकीर्ति सर
जितने ऐसे बड़े लोग हैं ना, ये टेक्नोलॉजी को बहुत अहमियत देते हैं, तभी जाकर ये इतने बड़े बने। देखो खान सर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब खान सर नॉर्मल व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे तो उनको जरूरत पड़ी डिजिटल बोर्ड की, कैमरा की, टेक्नोलॉजी को समझने की। तो हम जैसे जैसे स्टूडियो सेटअप प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, वैसे उनको कोई मिला होगा और उसने सपोर्ट किया। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप भी अगर नॉर्मली टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज इस बात को समझिए कि टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर खान सर ने उस समय पर डिजिटल बोर्ड, कैमरा, लाइटिंग सेटअप नहीं कराया होता तो शायद आज खान सर की ऑनलाइन में ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि खान सर कई सालों से व्हाइट बोर्ड पर भी वीडियो बना रहे थे पर उस टाइम पे इतनी ग्रोथ नहीं थी। आप देखो खान सर के जितने वीडियो आपने वायरल देखे होंगे वो वीडियो डिजिटल बोर्ड पे ही थे। हाँ, उसके बाद में जो व्हाइट बोर्ड वाले वीडियो भी वायरल हो गए, क्योंकि एक बार नाम बन गया तो फिर उसके बाद में टेक्नोलॉजी साइड हो जाती है, लोग आपके चेहरे को पसंद करने लगते हैं। पर देखो सही समय पर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है, और मैं आज भी कहता हूँ टीचर्स को कि अगर आज भी अपनी आप कोचिंग की शुरुआत कर रहे हो तो आप व्हाइट बोर्ड या बेसिक सेटअप से मत करो। अगर आपके पास बजट है तो प्रॉपरली स्टूडियो सेटअप कराओ, और स्टूडियो सेटअप आप करवाना चाहते हो तो हमसे करवा लीजिए। हमारी टीम आपकी अपनी लोकेशन पर आकर आपको टेक्निकली इतना स्ट्रांग कर देगी कि आपको किसी टेक्निकल टीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए खान सर का चैनल हो गया वायरल, और वायरल होने के बाद में खान सर ने आज तक कभी पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं थे। मैंने खान सर के चैनल को स्टडी करके ये बात तो समझ ली कि खान सर के जो वीडियोस होते थे वो किसी एग्जाम स्पेसिफिक कम होते थे, जो आजकल ट्रेंडिंग में आए, वो किसी टॉपिक को बड़ी जनरल अवेयरनेस के साथ में होते थे, और यही चीज खान सर को सक्सेसफुल बनाती है। खान सर ने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर अपनी टीचिंग स्किल्स को बताया कि वो कितने अच्छे शिक्षक हैं, और वहीं से बच्चा उनसे जुड़ना शुरू हुआ। उनका देसी पढ़ाने का अंदाज, जो बिहारी टोन में उन्होंने पढ़ाया और बिल्कुल एक नई डेफिनेशन टीचर की लगाई, अपने पढ़ाते पढ़ाते वो मीम्स बीच में लेकर आते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग भाषा में, बड़े इंटरेस्टिंग स्लैंग में, कई बार कई कॉन्ट्रोवर्शियल में पढ़ जाते हैं, तो यही वो उन्होंने एक प्योर टीचर का रूप अदा किया। टीचिंग स्किल्स परफेक्ट, टेक्नोलॉजी परफेक्ट, खान सर इसी बीच अपनी ऐप भी लेकर आ गए। अब आती है कहानी, सोच के देखिए, जब खान सर की इतनी पॉपुलैरिटी के साथ में ऐप आई तो खान सर बन गए भारत के एकलौते ऐसे टीचर जो सच में अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ में स्टूडेंट्स को एजुकेट करने वाले टीचर। अब देखो वो टीचर जो कौन बनेगा करोड़पति पे चला गया, जो स्टॉक पे चला गया, कपिल शर्मा शो पे चला गया, पता नहीं कहां कहां नहीं बुलाया खान सर को, तो सोचो क्या पॉपुलैरिटी हुई होगी खान सर की। खान सर खुद अपने आप में ब्रांड, और इसी के चलते इनके ऑफलाइन सेंटर, एप्लीकेशंस पर और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर बच्चों की भरमार है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि खान सर एक्चुअल में अर्न कितना करते हैं। तो YouTube पर खान सर के दो चैनल हैं, दोनों ही काफी व्यूड चैनल्स हैं। एक तो उनका मेन चैनल है और दूसरा ये, उनके मेन चैनल पर सिर्फ एक महीने में 18 मिलियन से ज्यादा व्यूज आते हैं। और देखिए एडटेक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, इतना तो पता है कि हर 1000 व्यूज पे आराम से मोनेटाइजेशन के थ्रू 50 से 60 रुपए तो बनते हैं, क्योंकि खान सर के जितने वीडियो होते हैं वो 8 मिनट से ज्यादा के होते हैं, तो वॉच टाइम भी बहुत प्रॉपर आता है। वॉच टाइम अच्छा है तो मतलब एड्स भी ज्यादा आते होंगे। तो अब दो चैनल है, तो पहले वाला चैनल जिसपे बड़े वीडियो डालते हैं उस पर 18 मिलियन व्यूज आते हैं, और दूसरा वाला चैनल जिसपे छोटे वीडियो डालते हैं तो वहां पे 12 मिलियन व्यू आते हैं, तो यहां से उनका 6 मिलियन ले लेते हैं। तो टोटल अब व्यूज हो गए हैं 24 मिलियन मंथली। अब 24 मिलियन मतलब 2.4 करोड़। अब 2.4 करोड़ को डिवाइड कर लेते हैं 1000 से, तो जो कि होता है 24,000। अब ये 24,000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 रुपए से, जो कि लगभग है 12 लाख रुपए। तो ये मान के चलिए 12 से 15 लाख रुपए YouTube एडवर्टाइजमेंट से खान सर को आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। हमें ऐसा लगता है कि बहुत करोड़ों में हो रही होगी अर्निंग, नहीं, 12 से 14 लाख रुपए ऑन एन एवरेज आज की डेट में आते हैं। पहले बहुत ज्यादा व्यूज जिस दिन आ जाए उस दिन आप मान के चलो ये बहुत से बहुत 20 लाख तक जाता होगा, इससे ज्यादा नहीं। और अगर आप इस 12 लाख को मल्टीप्लाई कर लो 12 से एक साल के लिए, तो 1,44,00,000 रुपए अप्रॉक्सीमेट इतना पैसा खान सर को ईयरली आता है। ये तो बात हो गई सर के यूट्यूब की। अब बात करते हैं ऑफलाइन की। देखो ऑफलाइन सेंटर की अगर मैं बात करूँ ना, तो ऑफलाइन सेंटर पे ऑन एन एवरेज मिनिमम खान सर का जितने बड़े लेवल पे ये कोचिंग है, ये बिजनेस करोड़ों में है, करोड़ों में, मतलब ये छोटा मोटा नहीं है, भले ही कम फीस है पर बिजनेस तो करोड़ों में। तो सबसे बड़ा जो सोर्स है खान सर का वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन।
चलिए अब इसका कैलकुलेशन समझते हैं। बात करें ऑनलाइन कोर्स की तो आज की डेट में वहां से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है। खान सर का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है ऑनलाइन कोर्स। उनके ऐप पर 100 से भी ज्यादा कोर्स अवेलेबल है जिनकी प्राइस वेरी करती है एग्जाम टू एग्जाम एंड कोर्स टू कोर्स। कुछ कोर्स आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, आप देख सकते हैं कि कोई कोर्स 1499 का है तो कोई 799 का। अगर हम एक एवरेज प्राइस 500 रुपए भी लेके चले तो इनके करंट डाउनलोड्स है 50 लाख, और आज से एक साल पहले खान सर के एप्लीकेशन पर डाउनलोड्स थे 10 लाख, जो कि 12 महीने में 50 लाख हो चुके हैं। अब खान सर एडटेक डोमेन को लीड कर रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो चलिए इनके एक साल में 40 लाख डाउनलोड्स बढ़े, दैट मींस एवरेज मंथली 4 से 5 लाख बच्चे इनके एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, और इनका सक्सेस रेट देखते हुए लगभग 2.5 लाख बच्चे इनके किसी ना किसी कोर्स में इनरोल होते हैं। हालांकि होते इससे ज्यादा ही होंगे, पर हम एक एवरेज लेकर चल रहे हैं। तो हम 2.5 लाख नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 500 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होता है 12.5 करोड़। कैन यू बिलीव 12.5 करोड़ इन जस्ट सेलिंग कोर्स, तो होता है 12 करोड़ 50 लाख। आप बिलीव कर सकते हैं 12 करोड़ 50 लाख मंथली, और ये भी लगभग छोटा ही है, मैं कम ही बता रहा हूं। पर आपको इस बात से क्या समझने को मिलता है कि ऑनलाइन के बिजनेस में अगर आपने वैल्यू दी तो आप कहां तक का बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं। आप बहुत बड़ा मत सोचिए, बहुत छोटे से शुरुआत करिए। खान सर ने भी बहुत छोटे से शुरुआत करी थी। अब देखो हमने बात कर ली खान सर के यूट्यूब की, खान सर के ऑफलाइन की और ऑनलाइन की। इसके अलावा भी खान सर को बहुत जगह जगह से पैसा आता है। जैसे कि एक एग्जांपल, खान सर का खुद का पब्लिकेशन, खुद के नोट्स, ये भी सेल होते हैं और ये भी बड़े लेवल पे सेल होते हैं। ऑनलाइन पीडीएफ भी सेल होती है, ये भी बड़े लेवल पर ही होती है। तो आप समझ सकते हैं कि खान सर टोटली एक ऑनलाइन कोचिंग को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सही तरीके से कॉन्टेंट बनाकर अपने डोमेन में लेकर चलेगा। अब देखो खान सर की कुछ मॉरल वैल्यूज है जो जिससे मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हाल ही के दिनों में यूपीएससी कोचिंग को सभी को एक नोटिस आता है जहां पर दृष्टि बाजीराव इनका भी नाम लिया जाता है कि भैया आप टॉपर का मिसयूज कर रहे हो। और इस पर खान सर क्या कहते हैं कि जिस दिन ऐसे नोटिस मुझे आ जाए मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। देखो इस टीचर की एक बात तो साफ है, ये टीचर जानता है कि मेरा पूरा कोचिंग जो बना है वो सिर्फ और सिर्फ बना है एक वादे पे, बच्चों को एक्चुअल में अच्छी कोचिंग देने के लिए। अब खान सर की मार्केटिंग पे बात करते हैं तो खान सर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किस पे करते हैं। एक अच्छा टीचर जानता है कि एक कोचिंग को चलाने के लिए अच्छे टीचर्स की जरूरत पड़ती है। तो जब भी आप देखोगे खान सर ने जहां जहां जो जो बेच लॉन्च करी वहां पर बहुत ही सॉलिड टीम लेकर आए हैं। अब फिजिक्स वाला, दृष्टि, अनएकेडमी, बायजूस, ये जितने लोग हैं ये सब भर भर के मार्केटिंग करते, पर खान सर एक ऐसा इंसान है, ना ऑनलाइन ऐड चलाते हैं, ना ऑफलाइन ऐड चलाते हैं, ना कोई बैनर पोस्टर, कुछ हुआ नहीं, सिंपली अपने यूट्यूब चैनल को चलाते हैं। ये एक लौता ऐसा टीचर है जो ये बोलता है कि भैया मैं कम में पढ़ाता हूँ, और एक्चुअल में उनकी एप्लीकेशन पे जाकर देखोगे तो कम में ही पढ़ाते हैं, और यही इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं है, जहाँ पे जब ऐसा होता है तो बहुत सारे बच्चे इनके प्लेटफॉर्म पर आते हैं। मैंने कई इनके कोर्स बाय करके देखे और एक्चुअल में देखा, वहाँ पर सच में बहुत अच्छी फैकल्टीज है और खान सर के बहुत ही अच्छे लेक्चर्स हैं, और यही यूएसपी है। देखिए अगर मैं दिल से एक बात कहूँ तो मैं अक्सर कोचिंग को बिजनेस के रूप में देखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जितने बड़े नाम है, जितने हेडटेक कंपनी, जितने बड़े बड़े काम करने वाले लोग हैं, ये कहते तो कोचिंग है पर एक्चुअल में कोचिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं। बट ये एक लौते ऐसे पर्सन है जो एक्चुअल में कोचिंग को बिजनेस की तरह नहीं देखते, वो कोचिंग को कोचिंग की तरह ही देखते हैं। आज भी खान सर इसी तरीके से एक्ट कर रहे हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, और यही इनकी सक्सेस का पाथ है, यही इनकी सक्सेस का कारण है। और जिस दिन शायद ये यूएसपी खान सर ने हटा दी, खान सर का स्टार्टअप भी उसी दिन खत्म हो जाएगा जो आज वो उनका यूएसपी है। तो आशा करता हूं कि आप भी जब भी अपना कोचिंग अगर सच में एक मॉरल वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हो तो उसे मेंटेन करके रखिएगा, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजीएस्ट वे में आप ग्रो करेंगे। जितना मैंने खान सर को जाना, जितना मैंने खान सर को समझा, वो सारी बातें आप तक रखने की कोशिश करिए। अगर आप भी स्क्रैच से कुछ शुरू कर रहे हैं और इतने बड़े लेवल पर लेके जाना चाहते हैं तो खान सर को अपना आइडल मान लीजिए। इनसे अच्छा एग्जाम्पल आपकी लाइफ में आपको नहीं मिलेगा। अभी तक खान सर ने किसी इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट नहीं लिया, अभी तक खान सर ने किसी से डायरेक्टली पैसा नहीं लिया, खान सर किसी भी ब्रांड को पैसा लेके एंड्रॉस नहीं कर रहे, ये खूबसूरती है खान सर की। तो इन्हीं से सीखिएगा और इन्हीं के पद चिन्हों को फॉलो करिएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि खान सर ने यूट्यूब पर स्टूडेंट को पढ़ाने से ज़्यादा अपनी टीचिंग स्किल्स को बताया, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया, और वही चीज़ आपको करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।